स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं की? वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अक्षराज पकड़ी गई। ये देखो, यहाँ रोज गुपचुप बात होती रही और हमें पता भी नहीं चला। अरे भाई, वो क्यों अपनी रास की बातें तुम्हें बताएगी? अक्षरा बिटिया, तुमने ले जाने में इतनी देर कर दी कि जमाई राजा इंतजार ही करते रह गए। अरे तो क्या हुआ, वो कर लेगी फोन? नहीं। क्यों नहीं? अरे वो राह देख रहे होंगे। मुझे नहीं करनी। ठीक है, तुम फोन नहीं कर सकती तो बड़ी बहू तुम फोन लगा। माँ मैं हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, मैं ही बात कर लेती हूँ। नहीं माँ, जाने दीजिए ना। अरे तुझे बात करने के लिए कौन कह रहा है? बड़ी बहू अपने जमाई साहब से तो बात कर सकती। अक्षरा जरा जमाई साहब का नंबर तो बता। कुछ नहीं मालूम। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आई मीन सब ठीक है ना? मैंने आपके बाबूजी की आवाज सुनी तो मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने फोन कैसे उठा लिया? जैसे मैंने उठा लिया। जमाई साहब, मैं अक्षरा की माँ बोल रही हूँ। अब घबरा कर फोन रख मत दीजिएगा। सॉरी आंटी, मुझे लगा अक्षरा से बात करनी है ना जमाई साहब। लीजिए। लेना? नहीं माँ, मैं क्या कर लेना बात। नहीं अब मुझे नहीं करनी। अरे इतना भी मत शर्मा, वो इंतजार कर रहे होंगे। हेलो। हाँ हेलो, अक्षरा जी ही है ना? आप कोई और तो नहीं है? जी। सोच रही होंगी कि इतनी रात को क्यों फोन किया। आपके आसपास कोई है क्या? गलत टाइम पे फोन तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्या कह रही है, हाँ या ना? हाँ। आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं, तो जाने दीजिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। करो ना, बात करो। काकी आप ऐसी ही देखती रहेंगी तो मैं बात कैसे करूंगी? चल तू बात कर। हाँ ओ, क्या काकी खड़ी थी साथ में? जी। आप बताइए फोन क्यों किया था? जी आपसे कुछ पूछना था। मुझसे क्या? आई नो थोड़ा लेट हो गया है, पर बात ही कुछ ऐसी है। अभी पूछना है? जी कल तक बहुत देर हो जाएगी। पहले ही पूछ लेना चाहिए था, पर क्या है हम ठीक तरह मिल नहीं पाए पिछले दिनों, जल्दबाजी में ही रह गया। पूछूं?
देखिए। आपको किस नॉवल के टॉपिक पे हेल्प चाहिए? जी? हाँ, कब से पूछना चाह रहा हूँ पर रह ही जाता है, बताइए। टॉपिक प्रिपेयर कर लूंगा कल मिलने से पहले। शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो। सब लोग देख रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। ओके बाय। बाय। हाय मेरी मैया। अक्षरा दीदी, क्या कहा जमाई साहब ने? क्यों अक्षरा, ऐसे शर्माते हो तो तुम्हें कभी नहीं देखा हमने। प्लीज आप लोग मुझे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे। <आगे से। laughs> इटली इन मई 1915 पर मैं तुम्हारे लिए फोल्डर लाया था, अपने सारे पेपर इसमें रख लो ना। लाओ मैं रख देता हूँ, छोड़ तुम पढ़ो अपना, पढ़ाई करो अच्छे से। सॉरी सॉरी प्लीज, मुझे जल्दी पढ़ना है। बस हो गया, ये लो, ये हो गया। थैंक यू। जापान। कॉफी पियोगी? मैं ले आता हूँ। जापान इन मई 1914, इटली इन अगस्त 1915, ग्रीस इन क्या था? ये लो गरम गरम कॉफी। ये लो। क्यों पियो? हाँ। देखा? याद आ गया ना? मैंने कहा था ना कॉफी पियोगी तो सब याद आ जाएगा। अभी पढ़ो पढ़ो। देखा ना मैं भूल गई, तुम ऐसे डिस्टर्ब करते रहोगे तो कैसे पढ़ाई करूंगी मैं। सॉरी तुम पढ़ो अपना। सॉरी शौर्य, सॉरी। अरे जानती हूँ शौर्य, आप मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं ना, और फिर कुछ टाइम से मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी, इसी टेंशन में आपको सॉरी। इट्स ओके, काश ये सब डेट्स मैं तुम्हें याद करके दे सकता, पर तुम तो जानती हो कि हिस्ट्री में मेरा हाथ थोड़ा तंग है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम ये सारी डेट्स कैसे याद कर लेती हो। करनी पड़ती है जनाब, पर आप मेरे साथ हैं ना, इससे बड़ी हेल्प कोई और हो ही नहीं सकती। कौन सी हेल्प? आप आइए मैं बताती हूँ। मेरी बात तो सुनो। अरे लेकिन तुम, अब आप यहाँ सो जाइए। अरे लेकिन तुम... मैंने नहीं कहा ना, जिस सिर्फ आपका साथ चाहिए, मेरी हेल्प अपने आप हो जाएगी। तुम भी ना वर्षा। ऐसे। अच्छा जी। मैंने अक्षय जी से कह तो दिया कि मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात तो भूल ही गया कि मेरे और उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। फिकर मत कर नैतिक, मुझे पूरा यकीन है कि तू मैनेज कर लेगा, और वैसे भी तू पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट रहा है ना, नया सब्जेक्ट हुआ तो क्या हुआ? टॉपर भी हुआ तो क्या दीदी, शेक्सपियर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आपको तो पता ही होगा ना, हमने लिटरेचर में दूसरा प्ले पढ़ा था हैमलेट। अब लगता है कोर्स चेंज हो गया है, फिर से मुझे ओथेलो की पूरी कहानी तो नहीं पता, पर कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। एक मिनट, याद आया, ओमकारा, ओमकारा फिल्म भी तो ओथेलो पर ही बनी है ना रश्मि? ओमकारा? हाँ दीदी, मैंने भी कहीं सुना था, चार बार मैंने देखी ओमकारा।
सैफ अली खान इतना हैंडसम था। लेकिन हमने नहीं देखी है रश्मि जी, इसलिए प्लीज इसकी स्टोरी बताएंगी। सोचने दो। ओथेलो की डेस्टिमोना यानी करीना कपूर और ओथेलो अजय देवगन, राइट? राइट दीदी। अब समझ में आया। ओथेलो और डेस्टिमोना एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी हुई, करीना और अजय देवगन की तरह, राइट? डेस्टिमोना बहुत खूबसूरत थी लेकिन ओथेलो ना तो वो देखने में अच्छा था ना ही ऊंचे खानदान का, और डेस्टिमोना इतनी खूबसूरत कि हर आदमी उससे शादी करना चाहता था। इसलिए ओथेलो को हमेशा यही डर रहता था कि उसकी डेस्टिमोना उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। शक। और इसी शक की वजह से ओथेलो ने अपनी डेस्टिमोना को मार डाला। और जब उसे पता चला कि वो गलत था तो उसने अपने आप को भी मार डाला। मतलब ट्रेजेडी? हाँ, अगर ओथेलो ने डेस्टिमोना पर भरोसा किया होता तो उनकी लव स्टोरी कभी भी ट्रेजेडी में नहीं बदलती। ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इन सबके बीच में नाच नाच के बिपाशा बासु क्या कर रही थी? कर लो मजाक कर लो। अरे इनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है दीदी, खुद किताब से समझो और समझा लो। मुझे भी नींद आ रही है, चल रश्मि। अरे अरे दीदी, गुड नाइट। चुटकी, अरे अरे स्वीट हार्ट, अरे कहाँ जा? चुटकी दीदी, चुटकी रुकना, स्वीट हार्ट। अब एक रात में कैसे पड़ेगा? ये किसवीं सदी है बच्चों? एक क्लिक में सब कुछ पता चल जाएगा। इंटरनेट गुरु जिंदाबाद। ना सिर्फ ओथेलो और डेसिमोना के बारे में बल्कि नॉवल के हर पहलू के बारे में पता चल जाएगा। अरे यार, ये आइडिया तो पहले आना था ना। अब तू पढ़ ले जितना पढ़ना है। मैं चला। हाय मरी मैया, सच में पढ़ाई कर रही है अक्षरा दीदी? मतलब देख नहीं रही है क्या? अब ये किताबें बंद कर दीजिए, अब तो आपको जमाई सब पढ़ाने वाले हैं ना। तुझे कैसे पता? हाय मरी मैया, अक्षरा दीदी हमने जानबूझकर कुछ नहीं सुना, हम तो नीचे काम कर रहे थे जब वो आपकी ननद ने आप दोनों को मिलाने की बात की। धनिया, हमने किसी से कुछ नहीं कहा अक्षरा दीदी, हमें तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जमाई साहब आपको पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं। अभी किताबें बंद कीजिए और दूध पी के सो जाइए। नहीं नहीं, अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो वो मुझे बुद्धू समझेंगे। पता है वो पढ़ाई में हमेशा टॉप करते थे, सबसे आगे नंबर वन, और अगर मैंने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुझे एकदम बेवकूफ समझेंगे। कोई आपका इतना ख्याल रखे तो अच्छा लगता है नक्षत्र दीदी। जैसे आप उनसे मिलना चाहती हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं। कैसा लगता है अक्षरा दीदी? ऐसा लगता है जैसे जैसे धनिया तू मुझे बना रही है ना, जान की चढ़ा रही है ना मुझे, जैसे तुझे खुद कुछ पता ही नहीं। हाय मोरी मैया, हम कैसे कुछ जानेंगे अक्षरा दीदी, हमें आज तक ऐसा कोई मिला ही कहा जो हमारा ख्याल रखे। तू ऐसा क्यों सोचती है? पता है इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, और मुझे पूरा यकीन है तेरे लिए भी कोई ना कोई जरूर बना होगा। जाने दीजिए ना अक्षरा दीदी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जमाई सा चाहते हैं कि आप वो टॉप रहे ना, फर्स्ट नंबर। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। Thank you.
ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे बजरंगबली, सुबह सुबह किस बला का सामना करवा दिया? क्या बात है धनिया, आज हंसी नहीं फूटेगी हमें देखकर? मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? भोला जी, एक बात पूछे आपसे, अगर किसी दिन हम काम पे नहीं आए तो आपको कैसा लगेगा? लो, हम तो मंदिर में लड्डू बांटेंगे लड्डू, सर से जो हमारे भला टलेगी। सच सच बताइए ना भोला जी। सच सच तो तुम बताओ, ये खुशखबरी कब दे रही हो? आज हमने इसे इतना मजाक किया और ये कुछ बोली भी नहीं, जरूर कोई बात है। और तो और अपनी मैया भी नहीं याद आई, आखिर क्या बात हो सकती है? अरे अरे धनिया, कहाँ घूम रही है? आज तो तूने मेरी मदद करनी थी। भोला को चाय दे दी, कुछ कहा सुनी हो गई गोपी दादी से? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वो दादी माँ, आपने उस दिन कहा था ना कि छोरियों का ब्याह ना हो तो उनकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। ऐसा मानते हैं। क्या हुआ? वो कल माँ हमारे ब्याह की बहुत चिंता कर रही थी, बोली थी इसके ऊपर की हो गई तो कोई ब्याह नहीं करेगा। सच दादी माँ? अरे धनिया, हमारा समाज है ही ऐसा, जिसकी शादी जल्दी ना हो तो लोग बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं, पर अजीब सी बात है फिर अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता। यही तो। क्या सोच रही है तू? दादी माँ, एक बात कहें आपसे, आपको ठीक ना लगे तो आप मना कर देना। हाँ हाँ बोल। वो शंकरी ताई हमारे लिए छोरा देखेगी। धनिया, तू तो वो औरी धनिया, तू यहाँ बैठी हुई है, बड़ी बहू ने तुझे अक्षरा को उठाने के लिए कहा था ना, भूल गई? वो गुस्सा हो रही है, जा जल्दी जा। हाय मेरी मैया, इस लड़की का भी दिमाग ना काम में ही नहीं लगता। अक्षरा, अक्षरा उठ जा बेटा, उठ जा। अक्षरा, लेट हो जाएगी। अक्षरा बेटा 8 बज गए हैं, अभी नहीं उठेगी तो लाइब्रेरी कैसे पहुंचेगी 9 बजे? अक्षरा उठ प्लीज माँ, बस 2 मिनट और सुन। मुन्ना उठ जा बेटा, मुन्ना उठ, लाइब्रेरी नहीं पहुंचना है क्या? उठ। 2 मिनट। ये रिश्ता